हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है और बहुत ही लजीज है, टेस्टी है, क्रीमी क्रीमी। ये आप देख रहे हैं ना, ये पकोड़े हैं ना ही ये कटलेट हैं। तो आप देखें मैं इसको कैसे रेडी करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। घर में कोई मेहमान आए तो फटाफट आप बना के रेडी करके ये आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले लूँगी मैं एक पैन, और उस पैन में मैंने एक चम्मच यानी कि एक बड़ा चम्मच जो है वो लिया है तेल, डाल दिया है जीरा उसमें, और डाला है उसमें बारीक कटा हुआ एक बड़ा प्याज। तो इस सब को अच्छे से भून लेंगे, चलाते जाएंगे, भूनते जाएंगे। तो इसमें आप वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी मैं और क्या डालूँगी इसमें। और डालेंगे मसाले, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, और डालेंगे नमक। अब इसमें जाएगा मैगी मसाला, ए मैजिक एक गया, और डाल देंगे टमाटर, और इस सबको अच्छे से चलाते हुए हल्का मेल्ट कर लेंगे, इसको सॉफ्ट कर लेंगे टमाटर को। और अब इसमें डालेंगे एक गिलास पानी, पानी एक गिलास लिया है मैंने, और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मैजिक, वो है सूजी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो सूजी ली है मैंने 100 ग्राम, तो 100 ग्राम सूजी के लिए मैंने एक गिलास पानी लिया है। इसी के हिसाब से आप मेजरमेंट कर लें। अगर आपको ज़्यादा सूजी लेनी है तो आपको पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसको चलाते जाएंगे और सूजी को डालते जाएंगे धीरे धीरे, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर आप सूजी को इकट्ठा डाल देंगे तो सारा पानी एक बार सोक कर लेगी और इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो अच्छे से इसको हम चलाते हुए इसका एक बैटर बना लेंगे अच्छा सा, और इसको सुखा लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं पानी सूख चुका है इसका, अब इसको ठंडा कर लेंगे। तो अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, अब ठंडा हो चुका है ये। अब इसमें हम ऐड करेंगे, पहले इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है, पर फिर भी इक्वल कर देती हूँ इसको मैं। तो अब देख सकते हैं हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, मैंने बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता ले लिया। धनिया डाल सकते हैं, पालक चॉप करके डाल सकते हैं। और इसमें ग्रेड कर रही हूँ क्या, 2 मीडियम आलू, जो हमारे नाश्ते को देंगे एक बहुत ही डिलीशियस टेस्ट। तो अब हम इसमें ग्रेड कर देंगे 2 आलू। आप पनीर ग्रेड कर सकते हैं इसमें, आप गाजर ग्रेड कर सकते हैं इसमें। तो मैंने आलू ग्रेड किए हैं, 2 बॉयल आलू हैं ये। तो इसको ग्रेड करने के बाद बाइंडिंग कर लेंगे इसकी, बना लेंगे अच्छे से इसका, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। तो इसमें आप मैगी मसाला की जगह कोई भी मसाला डाल सकते हैं, जिसका आपको टेस्ट आपके नाश्ते में चाहिए हो। जैसे पाव भाजी का मसाला डाल सकते हैं आप इसमें मटर पनीर का मसाला डाल सकते हैं, आप इसमें चाउमीन मसाला डाल सकते हैं। तो जो टेस्ट आपको अपने इस नाश्ते में चाहिए है, आप वो मसाला इसके जो आप बैटर बनाने से पहले जो आपने टमाटर और प्याज का घोल रेडी किया था उसमें आप डाल सकते हैं। कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं, अमचूर ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा खाने चाहते हैं। तो मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैंने इसमें ना तो हरी मिर्च डाली है और ना ही लाल मिर्च डाली है, केवल और केवल मसाला है मैजिक मैगी डाला है। तो अब मैं रोटी बेलने वाली चौकी लूँगी और उस पर बनाऊँगी, शेप दूँगी इसको अच्छी सी। आप चाहें तो गोल कर सकते हैं, इसके रोल बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, टिक्की जैसी शेप दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो शेप दें। बस इसका जो टेस्ट है वो सबसे हटके बनने वाला है। तो अब इसको मैं शेप दे रही हूँ, अब देख सकते हैं। अब मैं इसको चाकू से कट कर दूँगी, और ये हमने जो सूजी थी उसको अच्छे से बॉयल कर लिया था उसमें मसालों में। तो इसमें सारे मसाले अच्छे से अब्जर्व हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है हमारा नाश्ता। तो अब मैंने पैन गरम कर लिया है और ऐसे ही सारे मैं ये कट कर लूँगी। तो पैन दे सकते हैं, तेल में से धुआं उठ रहा है, तेल पक चुका है। अब सारे इसमें डाल दूँगी और अच्छे ब्राउन हो जाएंगे तो इनको मैं निकाल लूँगी। तो मैं सरसों के तेल में ही ज़्यादातर चीज़ें बनाती हूँ। तो ये इसको अब जब ये नीचे से अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद ही इसमें हम करछी लगाएंगे, वरना ये टूटेंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ये। तो अब जब अच्छे से आपको लगे नीचे से इन पे लेयर आ चुकी है, आप देख सकते हैं ब्राउन, तो आप इन पे करछी लगाएं, इन्हें उलट उलट दें और ऐसे करके पलट दें इन्हें।
तो इसके लिए आप ग्रीन चटनी, रेड चटनी रेडी कर सकती हैं। तो मैं आज ये बच्चों को दे रही हूँ स्कूल में नाश्ते में, और आप चाहें तो शाम की चाय के साथ बनाएं इनको और एंजॉय करें। सुबह नाश्ते में भी बना सकती हैं आप, हेल्दी हैं। आप इनमें सब्जी में मटर उबाल के मैश करके डाल सकती हैं, गाजर डाल सकती हैं, पत्ता गोभी भी आप डाल सकती हैं इसमें, जो अवेलेबल हो वो डाल सकती हैं, बच्चों को इसमें डाल के खिला सकती हैं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल डार्क ब्राउन हो चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। और बचे हुए जो मेरे पास, ये मेरे सूजी के कटलेट कह सकते हैं आप, पकोड़े कह सकते हैं आप, जो कहना चाहें। ये जो नाश्ता बनाया है टेस्टी था, जो भी है, जो मैंने शेप काटी थी, इसको बचे हुए को भी मैं इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी और सर्व करूँगी सॉस के साथ। तो मैंने ये सॉस के साथ सर्व किए हैं, आप देख सकते हैं बड़े ही लजीज दिख रहे हैं और बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं। ऊपर से क्रंची, अंदर सॉफ्ट और क्रीमी टेस्ट बना है इनका। मैगी मसाला का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।